पतंजलि की कोरोनल टैबलेट को विश्व स्वास्थ्य संगठन से प्रमाण पत्र मिलने की बात को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने झूठा करार दिया है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से इस बात की स्पष्टीकरण भी उन्होंने कहा है कि दीजिए। इसके बाद दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन केंद्रीय मंत्री के बचाव में उतर आई। कोरोना महामारी के बचने के लिए जिसने जो कहा लोगों ने किया, जिसने जो दवा बताई लोगों ने विश्वास किया। योग गुरु बाबा रामदेव ने बीते 19 फरवरी को कोरोना की दवा रिलॉन्च की। इसका नाम कोरोनिल। पिछले साल जून में बाबा रामदेव ने इस दवा का ऐलान किया था। दवा के ऐलान के बाद खूब विवाद हुआ, लेकिन इस बार रामदेव ने पूरी तैयारी से फिर दवा लॉन्च की और इस बार लॉन्चिंग में बकायदा देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी मौजूद रहे। IMA ने पतंजलि के कोरोनिल का समर्थन करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को आड़े हाथों लिया। IMA ने एक बयान में कहा कि देश के स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते अवैज्ञानिक उत्पाद को जारी करना कितना न्याय संगत है। और वो जो दवाई जो आई है उसके दवाई के बारे में जो भी उनके पास जो रिसर्च पेपर है उसका जो भी ज्ञान है वो सबको ओपन करना चाहिए। इसमें कोई सीक्रेट या मैजिक दवाई नहीं बता सकते। ये उनको सबको हमने लिखा है कि हमको पूरा जानकारी उसको दी जाए। नहीं, हमने WHO को लिखा है कि आपने कौन सा सर्टिफिकेशन दिया है उसके बारे में हमको मालूमात हो। हमने आयुष मिनिस्ट्री को भी लिख रहे हैं और गवर्नमेंट को भी लिख रहे हैं कि भाई ये दवाई के बारे में जो भी इन्वेस्टिगेशन हो गया है, रिसर्च हो गया है, उसकी पूरी जानकारी हमको दी जाए। IMA में जिस तरीके से पत्र लिखकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री स्पष्टीकरण मांगा, उसी तरीके से दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने भी पत्र लिखा है। अब मंत्री के बचाव में दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन उतर आई है। इनका कहना है कि IMA जिस तरीके के आरोप केंद्रीय मंत्री पर लगा रही है वो संवैधानिक नहीं है। IMA ने जो ये लेटर लिखी है, इट वाज नॉट कॉल्ड फॉर, ना तो इसकी कोई आवश्यकता थी ना उसके ऊपर कोई तथ्य है। इसीलिए दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने एक लेटर इशू की है जिसमें कि उसकी सारी क्लेरिफिकेशंस दी हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि हम एलोपैथिक के डॉक्टर्स को ये भी समझना चाहिए कि आयुर्वेद एक बड़ा ही अच्छी ब्रांच है जिसको कि हमारे को जो है आगे बढ़ावा देना चाहिए और उसको मेन लाइन में लाना चाहिए। DMA प्रेसिडेंट ने कहा कि IMA वाले जो हैं उनको माफ़ी मांगनी चाहिए इस बात के लिए, क्योंकि ये चीज़ गलत है। वो पूरे देश के प्रधान हैं स्वास्थ्य के, तो वो आयुर्वेद को भी प्रमोट कर सकते हैं, होम्योपैथी को भी प्रमोट कर सकते हैं, उनको प्रमोट करना चाहिए। योग गुरु का दावा था कि पतंजलि की नई COVID-19 दिव्य कोरोनिल टैबलेट COPP WHO GMP प्रमाणित है। इसको दुनिया के 158 देशों के लिए कोरोना वायरस की प्रमाणिक दवा लॉन्च किया गया है। बाबा रामदेव के दावे को खारिज करते हुए WHO ने ट्वीट कर कहा उसने बाबा रामदेव की कोरोनिल दवाई को कोई मान्यता नहीं दी है। हालांकि WHO के ट्वीट के बाद बाबा रामदेव के करीबी बालकृष्ण ने भी ट्वीट कर माना कि WHO ने कोरोनिल दवाई को मान्यता नहीं दी है। कोरोना जैसी कम्युनिकेबल डिजीज के ऊपर भी एक प्रामाणिक कार्य किया है और इसमें जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं जो मॉडर्न मेडिकल साइंस के द्वारा स्थापित जो उसके पैरामीटर्स हैं उन मापदंडों के अनुरूप हमने सबसे पहले डेंगू नील बनाया डेंगू के खिलाफ, फिर हमने कोरोनिल बनाया। बाबा रामदेव के कोरोनिल का उद्घाटन करने के लिए मोदी सरकार में सबसे तेज काम करने वाले केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी पहुंचे। आइए उनको भी सुनते हैं। हमारी जो पूर्व परंपरा से जो हमारा आयुर्वेद है, योग विज्ञान है, ये पूरे विश्व को दिशा दे सकता है। बाबा की कोरोना महामारी के लिए बनी कोरोनिल दवा को लेकर हुए विवाद में डॉक्टर्स की दो संस्था आमने सामने हैं। ऐसे में सरकार को इस बात का जवाब देना चाहिए कि दो मंत्रियों के कहने पर लोग कैसे योग गुरु की कोरोनिल दवाई पर भरोसा करेंगे और उसकी प्रमाणिकता क्या है। टोटल न्यूज के लिए दिल्ली से अनिल कुमार सिंह की रिपोर्ट।